वेलकम टू चूलो आसमान, और हमारे साथ हैं आलिया टीपू। आलिया टीपू हमारे साथ बैठी हैं और हम बात कर रहे हैं हाइजीन से रिलेटेड ही, मेकअप कैसा आपको यूज करना चाहिए, ब्राइड्स को समझ में कैसी टेक्निक्स के साथ चलना चाहिए। अच्छा, आपने कहा मैं बहुत सॉफ्ट सी लुक, अच्छा उस सॉफ्ट लुक के लिए अगर बहुत हैवी जोड़ा है और अगर बहुत हैवी नहीं है तो फिर उसका भी एक अपना कॉल आ गई। आलिया सॉरी, पहले कॉल ले रहे थे। सना बात करिए कराची से। अस्सलाम वालेकुम सना। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है सना आपका? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। क्या कहेंगी जी? मुझे ब्यूटीशियन से बात करनी है, एक मसले के बारे में पूछना है। तो मसला जल्दी बता दें। ओके, असल में मेरे जो है ना चेहरे पर बाल निकलते हैं, ब्लैक हेड्स, मतलब इस तरह निकलते हैं, तो मुझे उस चीज़ के बारे में पूछना था। बेटा वो आगे बोले, उस चीज़ के बारे में पूछे, जल्दी बताएं। तो यही मसला है ना कि बाल निकलते हैं, थोड़ी तो बाल निकलते हैं। हाँ, तो किस किस्म के, लाइक कहाँ ग्रो हो रहे हैं? इधर हो रहे हैं, इधर हो रहे हैं, साइड्स पे होंगे, चिन पे हैं? नहीं, मतलब कि लिप के बिल्कुल नीचे, ये लिप्स के इधर होंगे। अच्छा, यहाँ वो जो एक अलग से होते हैं ना, मैं अभी आपको बता। नहीं नहीं, इससे मतलब नीचे है, चिन के नीचे जो थोड़ी है ना, चिन के नीचे। मैं भी यही बता रही हूँ आपको कि हाँ, ये ग्रोथ हो गई है ना। हाँ, ये ठीक है। हार्ड बाल जी, मैं भी बता जी। अब मेरा ये होता है कि रोजाना मुझे जो है ना थ्रेडिंग करनी पड़ती है। मैं बिल्कुल समझ गई हूँ मैं आसना आपको ना। इसके अलावा चेहरे पे पिंपल्स भी निकले हैं, अब गर्मी है तो मेरी स्किन वैसे भी ऑयली है, तो इस वजह से पिंपल्स बहुत निकलते हैं और दाने जो है ना वो छोड़ जाते हैं, मतलब निशानात छोड़ जाते हैं। तो उसके लिए भी अगर आप बता सकते हैं। ठीक है, और कुछ? नहीं बस इतना ही। चलिए, थैंक यू सो मच। आप बता जी सना, आपका मसला ये है कि आप एक तो अपने टेस्ट जरूर करवाएं, बिकॉज बॉडी हार्मोन्स जब आपके चेंज होते हैं तो आपके कुछ दूसरे हार्मोन्स एक्टिव हो जाते हैं, जिसकी मेल हार्मोन्स, जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ और ये सब कुछ हो जाता है। तो आपको परेशान नहीं हो, बहुत कॉमन आजकल ये चीज़ हो चुकी है, बिकॉज जो फूड हम लोग खा रहे हैं वो नेचुरल नहीं है। बहुत चीजें हैं, इवन ग्रोन फूड भी है, उसमें पता नहीं क्या क्या ऐड हो जाता है। तो नेचुरली आजकल लड़कियों के ये बहुत वेट गेन और ये सब प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप जो है एक तो जब आपकी वैक्स जब आप कराते हैं तो ये आप ये करें, थ्रेडिंग ना कराएं, वैक्स कराएं, हॉट वैक्स यूज करें, और फिर किसी अच्छे डॉक्टर से आप लेजर करवा लें। अभी आप यंग हैं तो लेजर से आपके बाल खत्म हो जाएंगे, 3-4-5 जितनी भी डॉक्टर्स आपको बताएंगे सेटिंग्स के साथ खत्म हो जाएंगे इंशाल्लाह। और जब वैक्सिंग या थ्रेडिंग कराने से पहले जो सिगरेट होता है उसकी जो ऐश है वो अच्छी तरह से मलें। अच्छा, और उसके बाद करवाएं तो आप देखें आपके बाल कितने जल्दी खत्म हो जाएंगे। रियली? जी, ये तो बड़ी जबरदस्त टिप है। ठीक है, अच्छा एक और चीज़, ये आपने बिल्कुल ठीक ही, लड़कियां भी इतनी स्टूपिड हो जाती हैं कभी कभी कि आपको एक अलग से, मैंने कुछ लड़कियों को देखा है इधर बाल आ गए हल्के से, हार्ट से हार्मोन्स आपके चेंज हो रहे होते हैं, फौरी तौर पे इस तरह की कोई अलग से ग्रोथ हो रही हो, फौरी तौर पे आप डॉक्टर को दिखाएं। बिल्कुल दिखाना चाहिए, कोई डरने वाली कोई चीज़ नहीं है कि लेजर से ये हो जाएगा, कुछ नहीं होता। ठीक, पूरी दुनिया में सब सारे टाइप के लेजर्स और बिल्कुल, और अब तो इतना कुछ भी नहीं अवेयरनेस है, सबको पता है कौन सी चीज किसके लिए यूज हो रही है। एक और कॉल है हमारे साथ, लुबना बात करी कराची से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मुझे ना ये पूछना था, मैं अजीब अपने स्प्रे करती हूँ तो मेरी स्किन और ड्राई हो जाती है, और मुझे ये भी पूछना था। बेटा आप बहुत जल्दी जल्दी बोल रही हैं, थोड़ा रुक के बोले। मुझे आपने ये पूछना था कि मैं अकेला का स्प्रे करती हूँ तो मेरी स्किन बहुत ड्राई हो जाती है। समझ नहीं आ रहा मुझे भी नहीं। आप जो पहले बोलती है ना वो चीज हमें समझ नहीं आ रही, क्या करती हैं आप? अर्की गुलाब का स्प्रे जी, अर्के गुलाब का स्प्रे करती हूँ तो स्किन और ड्राई हो जाती है, तो आपकी स्किन के लिए नहीं होगा ना। अर्के गुलाब का स्प्रे मत करें, वो आपकी स्किन के लिए नहीं है, वो ऑयली स्किन। मेरी स्किन ऑयली और ड्राई दोनों है, कॉम्बिनेशन स्किन है ना जी, कॉम्बिनेशन है। टी जोन आपका ऑयली है और बाकी ड्राई है, तो आप एक बात करें कि टिश्यू गीला करके पूरा बाकी फेस पे रख के और जो आपका ऑयली पार्ट है उसमें थोड़ा सा स्प्रे कर दें, बिल्कुल, ताकि वहाँ पे स्प्रे ना हो। और मुझे ये भी पूछना था कि जैसे यानी चेरी और स्ट्रॉबेरी हो गई, यानी किन्नू हो गया, तो इसका जूस हम चेहरे पर लगा सकते हैं? स्ट्रॉबेरी एंड व्हाट, किन्नू, कीनू जी, कीनू का छिलका? नहीं नहीं, जूस, जूस मुंह पे लगा रहे फेस पर। हाँ, किसने आपको ये बात बोली है जी? मैंने ब्यूटिशियन से सुना था, यानी कौन सी ब्यूटिशियन थी वो जरा मुझे बताएं।
छिलका लगा था मैंने टीवी पर ही बेटा, किनू का जूस नहीं लगाते, छिलका लगाते ड्राई करके उसको पूरा। अच्छा लेकिन एप्पल सॉरी स्ट्रॉबेरी का, स्ट्रॉबेरी का जूस क्यों लगेगा मुंह पे? गुदा रगड़ने से भी बेटा जूस पीने के लिए उस आपने गलत सुना होगा। स्ट्रॉबेरी अगर पसंद है खा लो, लेकिन जूस जूस आपकी स्किन को पीने के लिए अच्छे, जब आपकी स्किन चमकती है, जब जूसेस की इंटेक ज्यादा होती है, जब आप जूस पीते हो, पानी पियो, पानी पानी पिए पानी बॉडी अल्लाह देखे इनोसेंट है ना बेचारी, किसी ने टीवी पे बैठ के कह दिया और आप सच में समझ गई कि आप जूस चिपका के मुंह में। लेकिन पता है इनकी गलती, मैं आपसे पूछ रही क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद ये सही नहीं है, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूं। नहीं बेटा सही नहीं है, कल आपको कोई कह देगा कि चीकू लगा ले, चीकू को पीस के लगा ले, आप लगा लेंगी? नहीं नहीं। अच्छा तो आपका ये मसला कि आपको स्किन पे क्यों लगानी है चीजें, ये भी तो बताएं। जी मैम पूछना चाहती हूँ ना कि इसे कौन सा फ्रूट है जो हम फेस पर लगा सकते हैं? अभी कोई जरूरत नहीं, कितने साल की हो? मैं मेरी एज है 22। शादी हो गई आपकी? नहीं 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 नहीं, नहीं। अच्छा तभी आप निखरना चाह रही है कि अच्छा मेरी स्किन और चमके। जी पानी पिए, आपको भी आलिया बताती है, और खुदा के लिए किसी के कहने में कोई जूस वूस ना मले। शुक्रिया। तो अब आलिया ये आप देखो, कोई भी ब्यूटिशियन बैठ के कुछ भी बोलेगी, ऑब्वियसली अब देखें आप मेरे शो पे बैठे हैं, आप कोई बात कहेंगी वही बंदा करेगा। वो लोग ट्रस्ट करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, जूसेस मलने का तो कोई दुख ही नहीं बनता लोगों का। देखें मैं इसीलिए कहती हूँ कि जो ऑथेंटिक हो और आपको यकीन होना चाहिए। बहुत सारे हम यहाँ पे टोटके वगैरह देने के लिए बिल्कुल नहीं बैठे, हमसे आप सवाल कर सकते हैं मेकअप से रिलेटेड और चीजों से रिलेटेड। टोटके वगैरह कुछ ऑथेंटिक होते हैं वो आप यूज कर सकते हैं, मगर बहुत सारी चीजें हर होम रेमेडी आपको ना करनी करती, कुछ नॉन रेमेडीज हैं वो जो बाकी सब मानते हैं। हाँ। बस वो कर ले, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपका जो ड्राई पार्ट है उस पर रोज वाटर ना डालें आप। उसका तरीका ये है कि आप टिश्यू या टॉवल थोड़ा सा गीला करके उस पार्ट दूसरे पार्ट पे रख लें, सिर्फ अपने टी जोन एरिया को खुला रहने दे, और जहाँ एक्सेसिव ऑयल है वहाँ पे स्प्रे कर दे। सही। अच्छा अब वो कह रही है कि मैं स्किन पे क्या लगाऊं जो मेरी स्किन ग्लो करे, फ्रूट ही लेकिन उन्होंने कोई लगाना है, जूस या फ्रूट? जूस या फ्रूट लगाना है? नहीं जूस फ्रूट के लिए फिर ये है कि जैसे उस दिन हमने बल्कि एक और चैनल पे भी था तो हमने बताया था कि कीनू के छिलके को ड्राई करके वही मैंने सुना सुखा के पीस के उसमें दही और शहद वो मिला मिला के मिक्स करके तो वो एक पेस्ट सा बना के अगर आप लगा लें तो उससे काफी ग्लो और वो आ जाता है फिर आराम से उसको। अच्छा हम जोड़ों पे बात करते हैं, अगर हैवी जोड़ा होता आलिया तो फिर आप कैसा मेकअप करती हैं, और अगर नहीं होता हैवी पे हम कोशिश करते हैं कि सॉफ्ट रखें। अच्छा ग्लोइंग स्किन रखें और बहुत सॉफ्ट में रखें, बट ऑफकोर्स वन ऑफ द पार्ट इज बीन हाईलाइटेड लाइक आईज करते हैं हैवी या तो लाइट लिप्स होते हैं। ठीक अगर डार्क लिपस्टिक है तो ऑफकोर्स लाइटर आईज होती है, बहुत सॉफ्ट होती है, सॉफ्ट होती है, बट ऑफकोर्स लाइनर्स और काजल तो सबको पसंद होता है। ब्राइट का तो वही होता है। चाहिए होता है। अच्छा और अगर बहुत ही सिंपल सा जोड़ा है, इतना हैवी नहीं है तो हम कोशिश करते हैं कि मेकअप में एक अच्छा सा थोड़ा अच्छा सा थोड़ा सा ड्रामेटिक आई मेकअप कर दें, अच्छा ताकि वो उसको एनहांस करें, ताकि वो दुल्हन थोड़ा सा बाल अच्छे बन जाए। और गर्मियों में लड़कियां जैसे कहती हैं कि मुझे बाल खुले रखने, अब ये सोचें कि आपने गले में भी सेट पहना है, कानों के भी लटक रहे, बड़े बड़े दुपट्टा भी सर पे आना है, वो पसीने आपके अंदर आने के बाद और रस में होने के बाद आप क्या होगा अंदर? हाँ। वो बाल मतलब उस तरह से तो ब्लो ड्राई नहीं रहेगा, चाहे कुछ भी करने करा चाहे ह्यूमिड प्लेस। और फिर आप देखें वो पूरी जो नाइट होती है तो आपके लिए इतनी होती है कि आप घंटों आपको फोटो सेशन ब्यूटीफुल अब्दूज आई नो। ठीक है अब्दूज में होता है आपकी नेकलाइन हाई हो जाती है, उसके बाद आपने गले में जो भी जो आप चीजें पहन रहे हो वो तो नजर आए, वो भी नजर आती है, और फिर दुपट्टा तो आपको चीज पीछे भी गर्मी नहीं लगती। तो लोगों को ये बात समझाना बहुत जरूरी है। एंगेजमेंट वगैरह पे चले हल्का सा शिफोन का दुपट्टा होता है उसमें आप खोल सकते हैं थोड़ा बहुत, बट लोगों को ये बात, और घर की शादियों में भी बाल नहीं खोलने चाहिए बिल्कुल, क्योंकि रात तक आप भाग भाग गर्मियों में तो ब्लो ड्राई वैसे ही नहीं चल सकते आपको आपके। पता है मैं कहती हूं ब्लो ड्राई से बेहतर आप बाल बंद कर लें, बालों को हाई पोनी करके अच्छा सा बना लें, एक हल्का सा पफ कर लें, कुछ कर लें, लेकिन ये जो ब्लो ड्राइज आप तो लड़कियों को आंटियों की